हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं 2021 की मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड फिल्मों के बारे में। 2021 में रिलीज की गई वो बॉलीवुड फिल्में जो बड़े बजट और बड़े कलाकारों की वजह से उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। जुर्म दिमाग करता है, इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम लगते हैं। इन अंडररेटेड फिल्मों का कंटेंट इतना ज्यादा गजब का है कि अगर आप इन फिल्मों को देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये फिल्में हमसे कैसे छूट गईं। जहां इस साल भी कई बड़ी फिल्मों ने हमें निराश किया, वहीं छोटी फिल्मों ने हमें भरपूर एंटरटेन किया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अंडररेटेड फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं 2021 की मोस्ट अंडररेटेड बॉलीवुड फिल्मों के बारे में। आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? दिल इंसान के सीने में धड़कता है कि कागज में धड़कता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, 420 IPC। 420 IPC 2021 की मोस्ट अंडररेटेड फिल्मों में से एक है। ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे G5 पर रिलीज किया गया था। आप में से काफ़ी लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये फिल्म काफ़ी गजब की है। फिल्म की कहानी और विनय पाठक की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। You've been caught red-handed, Mr. Keswani, आप रंगे हाथों पकड़े गए। फिल्म में जिस तरह से ट्विस्ट और टर्न आते हैं और उस पर जिस तरह से विनय पाठक ने एक्टिंग की है, आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर सस्पेक्ट कौन है, कौन है जिसने इन तीन चेक का झोल किया है। योर ऑनर, द अक्यूज्ड बंसी केसवानी, इन्होंने अपने ही क्लाइंट के ऑफिस से 3 ब्लैंक चेक चोरी किए। और फिल्म का एंड आपको पूरी तरह से सरप्राइज करेगा। फिल्म का एंडिंग काफी जबरदस्त है। विनय पाठक के अलावा रणवीर सोरेन ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। उसके अलावा गुलपनाग और रोहन मेहरा भी कमाल की एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपने इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। बंसी केसवानी इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, फॉर्जरी एंड अटेम्प्टेड बैंक फ्रॉड। इनकरेक्ट, ये सिग्नेचर्स किसी दूसरे इंसान ने भी फोर्ज किए हो सकते हैं। नंबर 4, 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। 2004 में नागपुर में एक घटना घटी थी जहां 200 दलित महिलाओं ने कोर्ट में घुसकर एक क्रिमिनल की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तो इस फिल्म की कहानी उसी घटना पर आधारित है। फिल्म में अमोल पालेकर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आते हैं, साथ ही वरुण सोबती, साहिल खट्टर और रिंकू राजगुरु ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म का डायरेक्शन भी काफी कमाल का है। फिल्म की कहानी कोर्ट से ही स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए कोर्ट रूम में घुसती हैं और क्रिमिनल की पीट पीट कर हत्या कर देती हैं। उस दिन बल्ली चौधरी को क्यों मारा गया, इसके ऊपर केस क्या था? थोड़े बहुत मॉलेस्टेशन और रेप केस। अब ये फिल्म यही कहानी दिखाती है कि इन महिलाओं ने ऐसा क्यों किया और इस क्रिमिनल ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इन महिलाओं ने इतना बड़ा जोखिम उठाया। ये फिल्म भी काफी अच्छी है जिसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। ये बेगुनाह औरतों को सजा दिलवा के केस क्लोज करवाना चाहते हैं बस। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। औरतों ने कुछ नहीं किया। नंबर 3, छोरी। छोरी एक हॉरर फिल्म है जिसे विशाल फूरिया ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में नुसरत भरूचा लीड रोल में है और फिल्म की कहानी उन्ही के इर्द गिर्द बुनी गयी है। बहुत साल पहले की बात है, नाम सुना नहीं था पर सीरत से डायन थी वहाँ। कहानी एक नॉर्मल हॉरर फिल्मों की तरह स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म हमें पूरी तरह से बांध लेती है। नुसरत भरूचा ने फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की है, वहीं मीता वशिष्ठ ने देवी के करेक्टर में गजब की एक्टिंग की है। फिल्म का वो सीन जहां देवी साक्षी को वो कौवे और सांप की कहानी सुनाती है, वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। वहीं से पता चलता है कि फिल्म में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कहानी के साथ ये फिल्म एक अच्छा मैसेज भी देती है, तो फिल्म अच्छी है जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, कागज। कागज फिल्म 2021 की बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसे साल के शुरू में ही रिलीज किया गया था। काफी लोग फिल्म के बारे में जानते होंगे क्योंकि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे। का हुआ, उठ के चले गए? हम अछूत हैं का? अरे अछूत नहीं, भूत हो। हालांकि बहुत से लोगों ने फिल्म को नहीं देखा होगा,
तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको भी पंकज त्रिपाठी की ये बेहतरीन फिल्म जरूर देखनी चाहिए। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म में बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे सरकारी कागज में मृत घोषित कर दिया जाता है, कैसे वो अपने आप को जिंदा साबित करता है, इसी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। कॉमेडी के साथ एक अच्छी और इंगेजिंग स्टोरी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं। भैया तभी तो फुल कागज का लाए। दिमाग खराब है। लो भैया, अभी ताजा ताजा मरे, उठ के चल दी। नंबर 1, नेल पॉलिश। 2021 की पहली फिल्म और सबसे अंडररेटेड फिल्म जिसे काफी कम लोग जानते हैं। ये कोर्ट रूम साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी जिसमें अर्जुन रामपाल और मानव कौल लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी रिटायर्ड फौजी वीर सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। वीर सिंह पर दो बच्चों की हत्या का मुकदमा चल रहा है। कहानी आपके दिमाग को हिला के रख देगी। जिस तरह से फिल्म का एंड दिखाया गया है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एंड में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फिल्म में जब वीर सिंह के हाव भाव बदल जाते हैं और वो वीर सिंह से चारू में बदल जाता है, वो सीन बहुत ही अलग है। तो फिल्म की जो कहानी है वही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। तो ये फिल्म भी आपको जरूर देखनी चाहिए जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। वीर सिंह को लखनऊ पुलिस ने दो प्रवासी बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार करना ही सबसे बड़ी कॉमेडी है। तो दोस्तों, ये थी 2021 की 5 बेहतरीन फिल्में जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन इन फिल्मों का कंटेंट बहुत ही गजब का है। और कुछ फिल्में भी हैं जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमें ये बताएं कि इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।